जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 फाइटर। आज इंडियन आर्मी ने एलएसी पर दुश्मन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने वाली अपनी कैपेबिलिटी को किया प्रदर्शित। तवांग सेक्टर में चीनी सीमा के पास इंडियन आर्मी ने तैयार किया है अपना प्लान 190। इलेक्ट्रिक वॉरशिप्स को डेवलप करने के लिए रोल्स रॉयस इंडियन नेवी के साथ करना चाहती है पार्टनरशिप। साउथ कोरिया के साथ मिलकर भारत K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर को करेगा एक्सपोर्ट। और मौजूदा सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में भेजी जाएंगी एक्स्ट्रा फोर्सेस। आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम हर एक प्राउड भारतीय को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आज भारत ने 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से अधिक COVID-19 वैक्सीन डोजेस की मार्क को क्रॉस कर दिया है। और चाइनीज वायरस के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में ये भारत के लिए एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है। और इस बात पे हमारे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी इंडस्ट्रीज और हमारी गवर्नमेंट, इन सभी को एक ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि ये सब पॉसिबल सिर्फ इनकी वजह से ही पूरा हो पाया है। हालांकि मैं पता है कि अभी भी एकाध लोग ऐसे जरूर होंगे जो ये कह देंगे कि भला 100 करोड़ वैक्सीन का माइलस्टोन पार करना कौन सी बड़ी बात है। पर खैर, उनको हम इस बड़ी बात को समझाने वाले तो है नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में कभी आएगा भी नहीं, और वो इसलिए क्योंकि वो समझना चाहते भी नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स इस बात को समझते हैं, तो इसलिए ये अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हम उन सभी को ये जरूर कहना चाहेंगे जिन्होंने भी भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सवाल उठाए थे, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ महान भारत। आज सुबह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पास इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दुर्घटना के दौरान एयरक्राफ्ट का पायलट सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर में ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान किसी तकनीकी खराबी के कारण इस एयरक्राफ्ट को दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। बल्कि इस दुर्घटना के सटीक कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि आज गुरुवार को ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने एक बहुत ही एग्रेसिव ट्रेनिंग और यहाँ के रफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक बहुत ही विग्रेस एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया है। और इंडियन आर्मी सोल्जर्स की एक्सरसाइज की कुछ वीडियो सामने भी आई हैं। और इन्हीं में से एक वीडियो के दौरान इंडियन आर्मी का जो एंटी टैंक स्क्वाड था, उसने इस बैटल ड्रिल के दौरान तवांग सेक्टर में दुश्मन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का डेमोंस्ट्रेशन दिया। और इस ड्रिल के दौरान इंडियन आर्मी की एंटी टैंक स्क्वाड ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया और ये दिखाया कि किस तरीके से वे आर्मर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बाकी एलएसी के फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात इंडियन ट्रूप्स को कुछ एडवांस वेपन्स भी दिए गए हैं, जिनमें कुछ खास तरह के स्नाइपर्स भी शामिल हैं। और जबकि कल बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक मीटिंग के दौरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स को इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि एलएसी पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है, और अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग रिप्लाई देने की पोजीशन में हैं। कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स के आधार पर कुलगांव में एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में लश्कर के 2 सुअरों को होरीफाइड यानी कि ढेर कर दिया गया है, और जिनमें से एक की पहचान गुलजार अहमद के तौर पर हुई है जो कि यहाँ पर लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, और ये दोनों घाटी में बिहार के 2 लेबरर्स की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन इसके साथ एक बेहद ही दुखद खबर भी सामने आई है, और वो ये है कि कल शोपियां में आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ के दौरान इंडियन आर्मी के सिपाही करणवीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और जबकि इस मुठभेड़ में 2 सोल्जर्स के घायल होने की भी रिपोर्ट है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सिपाही करणवीर सिंह की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और ये बहुत ही दुख की बात है कि पिछले 9 दिनों में हमने अपने 10 वीर जवानों को खो दिया है, और वो भी पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किए जाने वाले आतंकियों की वजह से। रोल्स रॉयस ने फ्यूचर फ्लीट के लिए इलेक्ट्रिक वॉरशिप्स को डेवलप करने के लिए इंडियन नेवी के साथ अपनी पार्टनरशिप करने की इच्छा जताई है, और इसके लिए कंपनी इंडियन नेवी को अपनी कैपेबिलिटीज प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसमें कंपनी भारत की नेवल मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने डिजाइन, अपने बिल्ड, अपने डिलीवर कस्टमाइज पावर और प्रोपल्शन सॉल्यूशंस को पेश करेगी। और ये सारी कैपेबिलिटीज यूके के अपकमिंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के हिस्से के तौर पर प्रदर्शित की जाएगी, और इसलिए कंपनी नेवल पावर और प्रोपल्शन में अपने इनोवेशंस को सामने लाने के लिए इस टूर को एक बहुत ही खास अवसर के तौर पर देख रही है। और रोल्स रॉयस ऑफिशियल्स का ये मानना है कि वे इलेक्ट्रिक वॉरशिप्स के डेवलपमेंट के लिए इंडियन नेवी के किसी भी फ्यूचर प्रोग्राम में अपनी ग्रेट लर्निंग्स और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है जिसमें भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी का कहना है कि भारत साउथ कोरिया के कॉर्पोरेशन के साथ K9 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर को किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है, और इसके साथ भारत दोनों पक्षों के बीच एक विन विन पार्टनरशिप पर भी जोर दे रहा है।
उनका यह भी कहना था कि इंडियन आर्म फोर्सेस K9 वज्र प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं और वैसे भी इन्हें स्वदेशी तौर पर भारत की कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही बनाया भी गया है। और उनका यह भी कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स के वेरिएंट में एक्सपोर्ट के लिए भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है और इसलिए भारत और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज इस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कॉपरेट कर रहे हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने अपने डिफेंस इनसाइट चैनल पर बहुत ही कमाल के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स भी अपलोड किए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल का लिंक है, आप उस चैनल पर जाकर इन लेटेस्ट इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को देख सकते हैं। लेकिन इस डिफेंस अपडेट को देखने के बाद, जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रोकने के लिए रशिया ने भेजे अपने सुखोई 30 फाइटर्स। जेपे 2021 एक्सरसाइज के बीच स्वेडिश सबमरीन ने कंडक्ट करा था एक सीक्रेट मिशन। चीन ने यूक्रेन की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बनाया क्लोन। लॉयटरिंग म्यूनिशन प्रोग्राम के लिए इसराइल और साउथ कोरिया के बीच साइंड हुआ MOU। और इसराइल के साथ तनाव के बीच ईरान तैयार है अपनी एनुअल एयर ड्रिल कंडक्ट करने के लिए। ABP न्यूज की तरफ से एक बहुत ही खास रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश से सटी चीन सीमा पर इंडियन आर्मी किस तरीके से खास तरह के प्लान 190 पर काम कर रही है और इस प्लान के तहत इंडियन आर्मी को एग्रेसिव बनाया जा रहा है। और बाकी जहां तक ये सवाल है कि आखिर ये प्लान 190 है क्या, तो इस प्लान के तहत चीन सीमा से सटी LAC पर तैनात हर सैनिक को रोज 190 मिनट की एक खास ड्रिल से गुजरना पड़ता है। और इस प्लान के तहत करीब 14,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो हमारे सैनिक है वो 140 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें पुशअप्स, मार्शल आर्ट ये सभी शामिल होते हैं। और फिर इसके बाद 40 मिनट के एग्रेसिव बिहेवियर से गुजरना पड़ता है, जिसमें दुश्मन के पुतले पर बयोनेट से जोरदार हमला करना, टायर को उठाना, पटकना और ऐसी बहुत ही विग्रेस फिजिकल ट्रेनिंग शामिल होती है। और इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक इस प्लान का जो मकसद है वो है LAC पर तैनात हमारे सैनिकों को और एग्रेसिव बनाना, यानी कि अगर दुश्मन सामने से हमला करता है तो हमारे सैनिक उन पर बिल्कुल टूट पड़े। और ये तो आपको याद होगा ही कि अभी हाल ही में ईस्टर्न कमांड के कमांडर ने कहा था कि अगर चीन अपनी हरकतें बंद नहीं करता है तो फिर इंडियन आर्मी अपना एग्रेसिव पोस्चर भी अपना सकती है। तो आप कह सकते हैं कि प्लान 190 भी इसी एग्रेसिव पोस्चर का ही हिस्सा है। इसके अलावा भी हाल ही में हमारे चिंदी पड़ोसी की एक और चिंदी हरकत देखने को मिली है। असल में हुआ यह कि कल बुधवार को बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक चल रही थी और इस बैठक में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट ने जैसे ही चीन की BRI और CPEC परियोजना का कड़ा विरोध किया, तो जब वे इस पर बात कर रही थी तो अचानक से उनका माइक ऑफ हो गया और उस दौरान इंडियन डिप्लोमेट चीन की इन सभी परियोजनाओं के खिलाफ भारत की आपत्तियों के बारे में बता रही थी। हालांकि हो सकता है कि माइक में कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ हो, लेकिन ये मामला सवालों के घेरे में इसलिए आ गया है क्योंकि इस बैठक की मेजबानी खुद चीन कर रहा था। और ये बड़ा कमाल का इत्तेफाक है कि माइक बंद भी ऐसे समय पर हुआ जब चीन की ही फर्जी परियोजनाओं की सच्चाई बताई जा रही थी। और बाकी इस पर आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। और एक रिपोर्ट ये भी आई है जिसमें US डिप्लोमेट ने चीन को भारत के खिलाफ हिमालयन बॉर्डर्स में एग्रेसर होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को चाइनीज गवर्नमेंट से इस हरकत के लिए जवाब मांगना चाहिए। न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस को मूव कराने का फैसला लिया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूप्स की करीब 25 कंपनीज को जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन जल्द ही रिलीज किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि ये जो फैसला है ये हाई लेवल मीटिंग के दौरान मौजूदा सिचुएशन को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में CRPF की 2 दर्जन कंपनीज और मूव कराई जाएंगी। और बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपनी उंगली को लाइक बटन की तरफ थोड़ा सा मूव कराएं और उसको क्लिक जरूर कर दें। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।